मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के रीति रिवाज का वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये काफ़ी कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है। आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करती हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहती हैं? वन रक्षक 2013 मोसर कहते हैं, शोक कहते हैं, शोक कहते हैं, त्रियोदशी संस्कार कहते हैं, अतः मृत्यु भोज को कहते हैं मोसर। पहले का उत्तर है एक मोसर, मृत्यु पर किया जाने वाला सामूहिक भोज मोसर कहलाता है। इसे नुक्ता भी कहती हैं और इसे बारवा भी कहती हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के जीते जी ही स्वयं का मृत्यु भोज करता है तो उसे जोसर कहते हैं, उसका नाम है जीते जी ही किया जाने वाला, स्वयं के जीते जी किया जाने वाला मृत्यु भोज जो सर कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पटवार परीक्षा 2011, न्योछावर कहती हैं, दूसरा बखेर कहती हैं, तीसरा समेड़ा कहती हैं, चौथा उछाड़ कहती हैं। अतः दूसरे का उत्तर 2 सही है, बखेर कहती हैं। जब बुजुर्ग व्यक्ति या बूढ़े आदमी मर जाते हैं तो उनकी बेकुटी निकाली जाती है और बेकुटी के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, जिसे बखेर कहती हैं। प्रश्न नंबर 3, नाता है थर्ड ग्रेड शिक्षक 2004, पहला रिश्तों का एक नाम है, दूसरा मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, तीसरा परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है, चौथा घोड़ों का प्रशिक्षक है। अतः तीसरे का उत्तर 1 सही है, नाता रिश्तों का एक नाम है। अगर कोई स्त्री है वो अपने पहले ये एक नाता एक प्रकार का पुनर्विवाह से संबंधित प्रथा है। कोई स्त्री अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाकर रहने लग जाती है और उसे अपना पति मान लेती है तो वो नाता कहलाता है। या कोई विधवा स्त्री है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ जाकर उसके साथ उसे अपना पति मानकर रहने लग जाती है तो भी ये भी एक नाते का ही प्रकार है। तो नाता रिश्तों का एक नाम है। प्रश्न नंबर 4, बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2004, विवाह पर, दूसरा जन्म पर, तीसरा मृत्यु पर, चौथा तीर्थ यात्रा पर। अतः चौथे का उत्तर 1 सही है, विवाह। बडार का भोजन विवाह पर के मौके पर किया जाता है। विवाह पर किया जाने वाला सामूहिक भोज जिसे बडार कहती हैं। और बडार अगर जैसे आज की शादी है उससे एक दिन या दो दिन पहले जो सामूहिक भोज किया जाता है उसे गांव में मेड़ कहते हैं। और आजकल शादी के बाद एक या दो दिन बाद भी एक सामूहिक भोज किया जाता है जिसे रिसेप्शन कहते हैं। तो बडार वो चाहे मेड़ बोल दो चाहे रिसेप्शन बोल दो, विवाह पर किया जाने वाले सामूहिक भोज को ही बडार कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ग्राम सेवक 2016, एक देसी खेल है, दूसरा नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, तीसरा राजस्थानी लोकगीत है, चौथा विवाह का एक प्रकार है। अतः पांचवे का उत्तर 2 सही है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है। आज तो ये रिवाज थोड़ा कम हो गया है लेकिन पहले ऐसी परंपराएं हमारे राजस्थान में थी, जिस लड़की की शादी होती थी उसके साथ अपने परिवार की छोटी बच्ची या पहले राजा महाराजाओं में दासियां या कोई स्त्री को भेजने की परंपरा रहती थी, वो उसी के साथ जाती थी और उसका जिससे कि उसे अकेलापन महसूस ना हो तो उसे कहते हैं ओलंदी। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? राजस्थान पुलिस 2018, पहला बडार, दूसरा कन्यावर, तीसरा बरी पड़ला, चौथा पानीवाड़ा। अतः छठे का उत्तर 4 है, पानीवाड़ा। बडार, कन्यावल, बरी पड़ला, इनका सबका संबंध विवाह से है। बड़ार विवाह पर किया जाने वाला सामूहिक भोज, कन्यावल जो कन्यादान होता है, बरी पड़ला जो कि वधु पक्ष के लिए शादी पर जो कपड़े आदि लाए जाते हैं
पानीवाड़ा, ये मृत्यु से संबंधित संस्कार है, अतः ये विवाह से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 7, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? राजस्थान पुलिस 2018। पहला जामना, दूसरा मुकलावा, तीसरा जडूला या जातक्रम, चौथा जट कटराई। अतः सातवें का उत्तर 3 है, जडूला या जातक्रम। हमारे राजस्थान में मन्नतें मांगी जाती हैं कि अगर हमारे शिशु होगा तो हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे और पहला जडूला मंदिर में ही उतरेगा। अतः हमारे यहाँ ये प्रथा प्रचलित है, छोटे बच्चों के बाल पहली बार जब काटे जाते हैं तो देवी देवताओं के सामने ही काटे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? कृषि अधिकारी 2013। पैरावनी कहते हैं, सामेला कहते हैं, पड़ला कहते हैं, मिलनी कहते हैं। आठवें का उत्तर 2 है, सामेला। बारात, लड़की के पिता द्वारा बारात का स्वागत किया जाना सामेला कहलाता है। इसे मधुपर्क भी कहते हैं, इसे समठुनी भी कहते हैं, इसे समठावनी भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 9, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना कहलाता है। आरएस प्री 1994। पहला कन्यादान, दूसरा जापा, तीसरा कोथड़ा, चौथा मां माटा। अतः 9वें का उत्तर 3 सही है, कोथड़ा। हमारे राजस्थान में परंपराएं रही हैं कि बेटी अपना पहला जापा अपने पीहर में ही करती है, तो पीहर वाले जब जापा जब शिशु जन्म ले लेता है तो जब जो लड़की के पति हैं या उसके दोस्त हैं या परिवार के जो सदस्य हैं, जो वर पक्ष वाले हैं, उनको उपहार देती हैं, स्वर्ण आभूषण देती हैं और सबको गिफ्ट आदि दिए जाते हैं, जिसे कोथड़ा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, वह रस्म जिसमें पिता वधु की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013। पहला कुकड़ी की रस्म, दूसरा दापा, तीसरा कन्यादान, चौथा मुकड़ावा। अतः 10 का उत्तर 3 सही है, कन्यादान। कहते हैं कन्यादान दुनिया में सबसे बड़ा दान हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कन्यादान से भी बड़ा दान रक्तदान, आप रक्त देकर किसी के प्राणों को बचा लें, लेकिन उससे भी बड़ा दान अंग दान, आप अपना अंग दान, अंग डोनेट करके किसी के अंग दान कर दें किसी को, और उससे भी बड़ा दान देह दान, आप अपनी देह को ही दान कर दें। तो अब इसके नए नए प्रारूप आ गए, लेकिन पहले कहते थे अगर किसी व्यक्ति ने कन्यादान नहीं किया तो इससे बड़ा कोई दान नहीं माना जाता था। प्रश्न नंबर 11, गौना रस्म किससे संबंधित है? JMRC एग्जाम 2012। पहला मृत्यु, दूसरा विवाह, तीसरा बच्चा जन्म, चौथा गृह प्रवेश। अतः 11 का उत्तर 2 सही है, विवाह। हमारे राजस्थान में पहले बहुत सारे बाल विवाह होते थे और लड़की की उम्र कम होती थी, जब धीरे धीरे लड़की वयस्क हो जाती थी तब फिर वर पक्ष के लोग अपने सगे संबंधियों के साथ वधु पक्ष के यहाँ आते थे और लड़की को ले जाते थे, अतः लड़की पक्ष वाले उन्हें उपहार देते थे, लड़की को कपड़े देते थे, वर पक्ष को कपड़े देते थे, इसे गोना या मुकलावा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, नव निर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? कृषि पर्यवेक्षक 2012। ओ कहते हैं, सुख प्रवेश कहते हैं, तीसरा ऑप्शन नांगल कहते हैं, चौथा ऑप्शन नव प्रवेश कहते हैं। अतः 12 का उत्तर 3 है, नांगल। हमारे यहाँ जब गृह प्रवेश किया जाता है, जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसे नांगल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? पटवार 2011। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 14, चौथा ऑप्शन 15। अतः इसका राइट आंसर है 16। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे व मोली बांधे जाते हैं और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, उसे कहते हैं। पटवार 2011। पहला ऑप्शन है मोली बधाई, काकन डोर या कंकन डोरा, तीसरा डोरा डामन, चौथा बधाई रस्म। हमारे यहाँ विवाह पर दूल्हे और दुल्हन के कंकन डोरे बांधे जाते हैं, मोड़ी वोड़ी बांध के कंकन डोरा, एक वो उसमें कई सारी चीजें होती हैं जो हाथ में बांध दिए जाते हैं जिससे कि दूल्हे को नजर भी ना लगे। कई सारी रस्में अदा की जाती हैं विवाह पर, अतः दूल्हे के भी बांधे जाते हैं, दुल्हन के भी
बांधे जाते हैं और बाद में जैसे ही शादी हो जाती है तो वो कांकंडोर खोल दिए जाते हैं। अतः 14 का उत्तर दो था कांकंडोर। प्रश्न नंबर 15, नामकरण संस्कार का संबंध है, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013। पहला मृत्यु से, दूसरा विवाह से, तीसरा जन्म से, चौथा विद्या से। अतः 15 का उत्तर 3 सही है, जन्म से। जन्म होने पर, शिशु का जन्म होने पर उसके 10वें या 12वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, पटवार 2011। पहला जातक्रम, दूसरा नामकरण, तीसरा विद्यारंभ, चौथा यज्ञोपवीत या उपनयन। अतः 16 का आंसर 4 सही है, जब बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने का समय होता है उसे यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, लड़की के पिता द्वारा सम्मेला के पश्चात बारात को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है इसे क्या कहते हैं। जेल प्रेरी 2017, सुवाड़ी जान का भात, जान का भात, कुंवारी जान का भात, चौथा बड़ा। 17 का उत्तर 3 सही है, कुंवारी जान का भात। विवाह पर वर पक्ष जो दूल्हा पक्ष है वो करता है बड़ा, तो लड़की जब बारात आ जाती है तो लड़की के पिता सामेड़ा के पश्चात बारात को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, उसे कुंवारी जान का भात कहती हैं। हमारे राजस्थान में दूध मुहे बच्चे जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका बाल विवाह होता है, उसे सुवाड़ी जान का भात कहती हैं। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक बार चर्चा करते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है, पहले का उत्तर 1 मोसर, दूसरे का उत्तर 2 बखेर, तीसरे का उत्तर 1 रिश्तों का एक नाम, चौथे का उत्तर 1 विवाह, पांचवें का उत्तर 2 नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, छठे का उत्तर 4 पानीवाड़ा, सातवें का उत्तर 3 जडूला या जातक्रम, आठवें का उत्तर 2 समेला, नौवें का उत्तर 3 कोथड़ा, दसवें का उत्तर 3 कन्यादान, ग्यारह का उत्तर दो विवाह, 12 का उत्तर 3 नांगण, 13 का उत्तर 1 सोला, 14 का उत्तर 2 कांकंडोर या कंकंडोरा, 15 का उत्तर 3 जन्म से, 16 का उत्तर 4 यज्ञोपवीत या उपनयन, 17 का उत्तर 3 कुंवारी जान का भात। आइए आज की जो मोटिवेशनल थीम है वो इस प्रकार है, बिना पूर्व तैयारी के लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना लक्ष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। वो सारे विद्यार्थी मैंने कभी अपने पढ़ाने के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जब लास्ट टाइम आता है तो कोचिंगों की तरफ भागते हैं, किताबों की तरफ भागते हैं, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं। 10% विद्यार्थी भी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो पहले से ही तैयारी करते हैं लास्ट टाइम पर, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर आप हाथ पांव फूल जाते हैं अतः तैयारी का मजा है पहले करने का। तो पूर्व तैयारी के लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना लक्ष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, इसलिए तैयारी पहले करें, बाद में तैयारी की कोई वैल्यू नहीं है, तैयारी का मतलब ही पहले। आपको ये मेरा कैसा ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करा करो, कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे और ऊर्जा मिलती है, तो मैं इंतजार करता रहता हूं आपके कमेंट्स का। अतः कमेंट्स करा करो और मुझे और बताया करो कि और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं बहुत अच्छा आपके कमेंट्स को पढ़कर महसूस करता हूं। अतः आप मुझसे लाइव 8 बजे मिलते रहिए, इंतजार करते रहिए अगले वीडियो का। जय हिंद साथियों।